हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम IIT जैम MSc मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं और यह क्वेश्चन नंबर 2018 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर वन अगर देखें तो इसको हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें ऑप्शन सी जो बी जो है वो क्लियरली ट्रू है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक, क्योंकि स्टेटमेंट होती है, प्रूफ थ्योरम भी होती है, इसके थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सिर्फ हिंट देना है। क्वेश्चंस में हम हिंट देंगे, सारे क्वेश्चंस को हम पूरी तरह सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसलिए ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू इस तरह से हमारे पास, लेट BAN बराबर BN+1 अपॉन BN, वेयर B1 बराबर ये है, B2 बराबर ये है, BN+2 बराबर BN+BN+2, इस तरह से डिफाइन है हमारे पास। देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास लेट, इसको सॉल्व करते हैं, लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी AN बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, AN की जगह क्या लिख सकते हैं, BN+1 अपॉन BN इक्वल टू, हमने ले लिया कि L है उसकी, तो उस कंडीशन में हमारे पास B है, हमारे पास A1 क्या है, A1 है हमारे पास BN+1 अपॉन 2। AN+1 की बात करें तो वो है हमारे पास BN+2 अपॉन BN+1, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया AN+1, सॉरी AN+1 हो गया हमारे पास BN+2 अपॉन BN+1। बट BN+2 किस तरह से डिफाइन है, BN+2 यहाँ पे डिफाइन है BN+BN+1, तो ये हो गया BN+BN+1 अपॉन BN+1, तो यहाँ से ये हो सकता है हमारे पास 1+BN अपॉन BN+1, तो ये हो गया हमारे पास AN+1 बराबर। अब AN+1 बराबर हो गया तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी AN+1 बराबर क्या होगा, ये टर्म जो है यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 1+BN अपॉन BN+1, ये हो गया हमारे पास। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो बाहर आ जाएगा, 1+लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी BN अपॉन BN+1, ये आ गया हमारे पास। अब चूंकि ये लिमिट हमने मान के चले हैं कि ये लिमिट है L, तो ये हो गया 1+, ये हम लेके चले हैं BN+1 अपॉन BN बराबर L, तो ये हो गया 1+1 अपॉन 1, क्यों 1 अपॉन L, क्योंकि यहाँ पे BN+1 अपॉन BN लेके चले हैं, तो BN इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 लिख दें तो BN, तो ये हो गया 1+1 अपॉन L, तो यहाँ से हमारे पास हो गया। और चूंकि ये किसके इक्वल है, लिमिट AN के इक्वल, लिमिट AN के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट N+1, चूंकि ये लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि N लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटी AN बराबर लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटी AN+1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 1+1 अपॉन L, तो ये हो गया हमारे पास L स्क्वायर इक्वल टू L+1, या यहाँ से लिख सकते हैं L²-L-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से L की वैल्यू जो आएंगी हमारे पास इस फॉर्मूले से -B+-B²-4AC रूट पे अपॉन 2A के फॉर्मूले से, तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 1±√5 अपॉन 2, और ये हमारे पास अगर देखें, और यहाँ से अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्या है, 1+√5 अपॉन 2 भी है, 1-√5 अपॉन 2 भी है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, एक सेकंड, पहले यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो अब अगर इसको हम चेक करें, तो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो
ये 1 है, 2 है, bn+1 भी हमारे पास इन दोनों का सम होगा, यानी कि ये चीजें भी सम इवन ही है, सम है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ से enb का पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन हम क्या कहेंगे, an जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें से हमारे पास पॉजिटिव टर्म कौन सी है, 1+√5/2, तो उसका हमारे पास सीधा सीधा 1+√5/2 जो है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9460689761, और मुझे मेल कर सकते हो hitenaa00155@gmail.com। तो आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, तो डोंट कॉल। थैंक यू फ्रेंड्स।